अब हम आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एडीआर, ए क्या है, एज लेंथ, डी क्या है, यहां पर बताओ मुझे, ये डायमीटर, और आर क्या है यहां पर, रेडियस। तो चलो मैं आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, या फिर हम लोग बोले ट्वाइस आर डी के बराबर होता है, डायमीटर रेडियस का डबल डायमीटर होता है, तो डी ए के बराबर होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, या फिर हम लोग बोले आर ए बाई टू होता है, या फिर ए ट्वाइस ऑफ आर होता है, बच्चों ने लिख दिया, सबको पता है, बहुत इंटेलिजेंट। एफसीसी की बात करते हैं, एफसीसी में डी और ए में क्या रिलेशन होता है, उसके लिए आपको आर वाला रिलेशन अगर पता है तो फिर आपका काम चल जाएगा। एफसीसी के अंदर क्या होता है, फोर आर किसके बराबर होता है, रूट टू ए के बराबर होता है, अब आपको पता है ट्वाइस आर डी के बराबर होता है, समझ में आ गया, तो यहां लिख सकता हूं टू डी किसके बराबर होता है, रूट टू ए के, समझ में आ गया, तो डी किसके बराबर है, रूट टू बाई टू, यानी कि ए बाई रूट टू, ये होता है, तो इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हो, यहां पर फोर आर रूट टू ए के बराबर होता है एफसीसी पैकिंग के अंदर, समझ में आ गया, और हमको पता है कि डी किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ आर के, तो टू डी रूट टू ए के बराबर, डी तो ए बाई रूट टू के बराबर हो गया, सही है, तो चलो चेक कर लेते हैं, यस डी ए बाई रूट टू, करेक्ट, एंड फाइनली क्या कह सकते हैं, ए आर ए बाई टू रूट टू के बराबर होता है। अब अपन बात करते हैं बीसीसी पैकिंग की, तो बीसीसी पैकिंग में आपको पता होना चाहिए कि फोर आर किसके बराबर होता है, रूट थ्री ए के बराबर होता है, तो इसका मतलब यहां पर टू डी किसके बराबर होगा, रूट थ्री ए के बराबर होगा, या फिर डी किसके बराबर होगा, रूट थ्री ए बाई टू के बराबर होगा, ये आपको याद होना चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो डी रूट थ्री ए बाई टू है ना, और आर रूट थ्री ए बाई फोर, खत्म हो गया।